नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो तीन चीज़ें समझनी है। एक होता है अपने पास एंजाइम, एक क्या होता है अपने पास एंजाइम होता है, एक होता है अपने पास सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है आपका इनहिबिटर या फिर इनहिबिशन, इनहिबिटर, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती है अपने पास, एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स। अब नॉर्मली क्या होता है, ये एंजाइम है आपका, ये सबस्ट्रेट है, ये आकर इस पर बाइंड करता है, ठीक है। अगर ये सबस्ट्रेट ना हो तो क्या बाइंड करेगा, इनहिबिटर बाइंड कर देगा, जिससे कि एक्शन, अगर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इनहिबिटर बाउंड हुआ तो एक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ये था आपका नॉर्मल, इसके पीछे का बेसिक नॉलेज। अब अपन पढ़ते हैं तीन चीज़ें इसके अंदर, टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन में तीन चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, अपने पास एक एंजाइम है, ठीक है, इसके पास एक खाली जगह है, तो या तो इसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या फिर इसके ऊपर इनहिबिटर बाइंड करेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। सो इसमें अपने पास क्या है, ओनली एंजाइम, इसके अंदर अपने पास ओनली एंजाइम है, ठीक है सर, नॉर्मल हो पड़ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरे की, दूसरा है अपने पास नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, ये अपने पास एंजाइम है, इसके ऊपर कौन बाइंडेड है, सबस्ट्रेट बाइंडेड है, ठीक है। सो इट इज ई प्लस एस, ठीक है, ई प्लस एस है, लेकिन ये जो आपका इनहिबिटर है ये कोई तीसरी प्लेस पर, सॉरी कोई दूसरी प्लेस पर आके बाउंड कर जाएगा। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो इनहिबिटर है ये या तो सिर्फ एंजाइम पे बाइंड कर जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर भी बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट और है, तीसरा है अनकॉम्पिटिटिव। इसमें क्या हो रहा है, अगर ये ई प्लस एस का कॉम्प्लेक्स है, ये ई और ये एस, ठीक है, सो इट इज ई प्लस एस का कॉम्प्लेक्स है, तभी आपका इनहिबिटर बाइंड करेगा, कब, ओनली व्हेन एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, अपन फिर से देखते हैं कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है आपका, अगर सिर्फ एंजाइम है तो इनहिबिटर जो है वो आकर बाइंड कर जाएगा, अगर सबस्ट्रेट नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर ई प्लस एस है तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन एंजाइम ओनली है तो इसके साथ या तो आपका एंजाइम बाइंड, सॉरी, या तो आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या फिर इनहिबिटर बाइंड करेगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। सो इधर ओनली एंजाइम, इधर सॉरी, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, अगर या चलो अगर मान लो ई सिर्फ ओनली है तो या तो इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या तो इसके साथ इनहिबिटर बाइंड करेगा, लेकिन अगर इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंडेड भी है तो भी इसके साथ इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। और अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि अब इट्स नेसेसरी टू बाइंड इनहिबिटर, सो अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि इट इज़ नेसेसरी टू सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर तभी बाइंड करेगा जब एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट बाइंडेड हो। सो तीन चीज़ें, एक तो या तो ओनली एंजाइम है या फिर ओनली एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, और या फिर ओनली एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब दो चीज़ें और पढ़ते हैं अपन, एक होता है क्या होता है, मिशेल्स मेंटेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, KM, माइकल्स मेंटेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या हुआ इसका नाम क्या है वो भी लिख दो,
माइकल्स मेंटेंट कॉन्स्टेंट, और दूसरा है आपका वी मैक्स, ठीक है, वी मैक्स। अब ये दोनों क्या है, सबसे पहले केएम की बात करते हैं। केएम इज ए माइकल्स मेंटेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, पता पड़ गया इसका क्या है, मतलब क्या है? ये क्या है, इट इज ए सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। मतलब कितना सबस्ट्रेट लगेगा, सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड, सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कितना सबस्ट्रेट लगेगा कि हम क्या बना पाए, हाफ हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। मतलब अपन को मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी बनानी है तो उसके ऊपर कितना, सॉरी, मैक्सिमम रिएक्शन का हाफ, जैसे कि मान लो कि अपन को सौ लीटर छाछ बनानी है, कर्ड बनाना है, तो अपन को कितना सबस्ट्रेट चाहिएगा इसको आधा बनाने में, 50 लीटर बनाने में कितना चाहिएगा, वो हो गया आपका केएम, ठीक है, इसको बोलते हैं माइकल्स मेंटेन कॉन्स्टेंट। और दूसरा है वीमैक्स। वीमैक्स क्या होता है, इट इज़ ए मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी कितनी हो गई, 100 लीटर छाछ, ठीक है, इट मीन्स हाउ मैनी प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोडक्ट, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, 100 लीटर, ठीक है। और केएम क्या है, इस 100 लीटर, मतलब 100 लीटर का हाफ कितना हो गया, 50 लीटर, इस 50 लीटर बनाने में कितना सब्सट्रेट चाहिएगा, ये हो गया केएम, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें केएम और वीमैक्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे ये केएम और वीमैक्स जो है वो पर्टिकुलरली इस कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है और ये अनकॉम्पिटिटिव है, ठीक है। इसके बेसिस पर अपन केएम और वीमैक्स देखते हैं, ठीक है, केएम और वीमैक्स देखते हैं। एक बार फिर से देख लो, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सिर्फ एंजाइम अकेला हो तो आपका इनहिबिटर इससे ज्वाइन करेगा, एन प्लस सी में क्या होगा, एंजाइम, सॉरी, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, अगर एंजाइम हो तो भी चलेगा, या फिर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा तो भी चलेगा, दोनों में चलेगा। और अनकॉम्पिटिटिव में सिर्फ अपन को एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें क्या होगा, केएम जो है वो कॉम्पिटिटिव में हो जाता है इंक्रीज, केएम जो है वो कॉम्पिटिटिव में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वीमैक्स जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, केएम जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा और वीमैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अनकॉम्पिटिटिव में केएम भी डिक्रीज हो जाएगा और वीमैक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। ये नॉर्मल सी टेबल है, ये बार बार पूछते रहते हैं कि इन रिस्पेक्ट टू नॉन कॉम्पिटिटिव व्हाट्स द वैल्यू ऑफ केएम या माइकल्स मेंटेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक टेबल है, ये आपको याद आनी ज़रूरी है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल भी और लिख दो, इनमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किस किस का आते हैं, जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव का एक एग्जाम्पल है, नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है आपका साइनाइड, साइनाइड लिख लो, ठीक है। और अनकॉम्पिटिटिव का एक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि अनकॉम्पिटिटिव में लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम, ठीक है। तो ये कोई एग्जाम्पल हो गया आपके।